वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में हमने अपना सर का गोश्त तैयार कर लिया और हम बहुत सी बातें करते रहे और हमने थोड़ी सी सर्विंग की तैयारी भी कर ली साथ साथ, और हमारी चिटचैट चलती रहेगी। मैं इसको गोश्त को बाहर निकाल लूं क्योंकि गोश्त तंग आ गया होगा, थक चुका है। ओ, क्या कलर है भाई, जबरदस्त। थक चुका है और अब इसको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि इसके जूसेस जो है वो इसके अंदर ही रहें, फिर हम इसको जबरदस्त कट करें। प्यारा प्यारा सा कलर आ गया है, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है ना। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान में ज्यादातर के अंग्रेजी चीजें में होते हैं ना, कि खवातीन सोचती हैं कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, बेचारियां बड़ी अपसेट हो जाती हैं। ये बड़ी इजी चीज है। अगर आप स्टेक को देख लें तो वही है, इसको कटिंग करें, मैश पोटेटो बनाएं, बच्चों को खिला दें। बिल्कुल, बच्चे समझेंगे स्टेक बनाए। अगर बड़ों से बचे तो, बड़ों से बचे तो बड़ों को खिलाना है तो इसके साथ जो है स्टीम्ड वेजिटेबल कर लें, ग्रिल वेजिटेबल्स कर लें, बॉइल्ड वेजिटेबल्स कर लें, तो मतलब बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, मतलब आनी चाहिए। हाँ, अभी हम थोड़ी सी देर इसको रेस्ट कराएंगे ताकि इसके जूसेस के अंदर सारे जरा बंद हो जाएं, लॉक हो जाएं, फिर हम इसको कट करेंगे। जब तक आप मुझे बताएंगे अपने नए प्रोजेक्ट्स जो अभी चल रहे हैं, वो तो सभी देख रहे हैं, काहे को ब्याह विदेश चल रहा है, और ये कैसी मोहब्बत है चल रहा है, और ARY पे चल रहा है, तुझ पे कुर्बान, तुझ पे कुर्बान चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। हाँ, बड़ा मजे का है। और क्या कहते हैं, अच्छा एक सोप में तो आप भी मेरे साथ हैं। जी हाँ, मैं आपकी बहू बनी हूँ। यस, एक मैंने ARY से की थी एक फिल्म गजनी। हाँ, उसका रीमेक जो बना था, जो किया था वो, तो वो भी मतलब लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया था। मैंने कहा भाई बस हो गया होगा, अच्छा बेहतर सा। मैं असल में जो हम बाहर जाते हैं ना, जैसे पाकिस्तान से बाहर कोई शो करने या रिकॉर्डिंग करने, तो मैं मॉर्निंग कुक होता हूँ। अरे वाह, नाश्ता बनाते हैं मतलब? मॉर्निंग कुक, अभी हम गए थे प्रोग्राम करने, तो हम साउथ के यहाँ ठहरे थे। अच्छा, वहाँ अमेरिका में मैरीलैंड में। अच्छा, तो उनकी अम्मी हयात थी, तो पहले दिन का खाना तो हमें उनकी अम्मी ने पका के दिया था। अच्छा, उसके बाद दूसरे दिन से मॉर्निंग कुक मैं हो गया था, और बाकी दिन का खाना नईमा गरज बनाती थी। अच्छा, और क्या खाना बनाती थी वो, अच्छा नईमा अच्छा खाना बनाती है, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। और वहाँ उनका लोडेड किचन, आप किचन में खड़े होके ख्वाहिश कर लें किसी भी चीज की, तो वो सऊद और जवेरिया के उस किचन में आपको ऐसे मिल जाता था, इधर देखा तो ये रखा, इधर देखा तो ये रखा। मैंने कहा यार, तो वहाँ मॉर्निंग में सारे आर्टिस्ट उठते थे, तो वो जो भी मुख्तलिफ अंदाज से नाचते। अच्छा, यानी अंडा भी मुख्तलिफ चाहिए, उन्हें मुख्तलिफ चाहिए, शकील भी थे, क्या बात है, क्या बात, रऊफ लाला थे। तो अब वो उनका नाश्ता कुछ और है, उनका कुछ और है, उनका कुछ और है, तो वो सब मैं बना। मैंने कहा साहब सामने बैठ जाओ, लियाकत सोल्जर साहब भी थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो हाँ सची लियाकत सोल्जर साहब का नाम, माजरत के साथ, उसमें बिल्कुल बहुत सारे नाम ले रही थी, तो वो तो बहुत बहुत सीनियर लेजेंड है, बहुत बहुत बिल्कुल सीनियर इंसान है, और फनकार उसके हैं, और बहुत बहुत ही बेहतरीन इंसान है, और नहीं उसके फैन है फनकार ज्यादातर। बिल्कुल सही, ये जो पीसेस कर रही हैं आप, जी जी, इसके बड़े हम्बली तो ये क्या मतलब सारे हम लोग खाएंगे या कुछ प्रोड्यूसर भी खाएंगे? नहीं, जो अगर हमसे बच गए तो फिर ये खाएंगे। अच्छा जी, ये सारी कटिंग हो गई है, प्लेटर में हमने इसको सर्व कर दिया है। बेचैनी बढ़ती भूख बढ़ती जा रही है। प्लीज, ये खाएंगे कब? अभी थोड़ी देर में खाएंगे, कबाब बनाएंगे अभी। पहले कबाब, शामी कबाब बनाएंगे। शामी कबाब या शाही कबाब? आपके लिए शाही, मेरे लिए शामी। क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं, तो आपके लिए शाही कबाब शाही अंदाज में पेश किए जाएंगे। अच्छा, ये बचा हुआ पीस है इसका, एक में से दो डिशेस बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इस पीस को भी काट लूंगी, और चने की दाल जो मैंने पहले से बॉईल करके रखी हुई है उसके अंदर मिक्स करूंगी। चने की दाल में मैं ये गोश्त मिक्स करूंगी, इसके साथ साथ मैं ये मसाले हैं, लहसुन के जवे हैं, गरम मसाला है, साबुत लाल मिर्च है, ये सब चीजें मैं उसमें मिक्स करूंगी, और उसके बाद उसको ब्लेंडर में चला लूंगी चॉपर में, उसके बाद वो कबाब का मसाला बन जाएगा, फिर मैं अंडा लगा के उस पर फ्राई करूंगी, फिर कबाब वजूद में आएगा, फिर कबाब वजूद में आएगा। गुड, ठीक है। अच्छा, हम जब तक एक क्लिपिंग्स देखते हैं शहजादा की, हमारे पास कुछ क्लिपिंग्स मौजूद हैं ड्रामों की, वो भी बहुत जरूरी है देखने, देखते हैं कि क्या क्या कमालात दिखाए हैं इन्होंने, तो चलिए देखते हैं क्लिपिंग्स। चाचा काबिज, चावल का सबसे
अमीर आदमी, और ये सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं और आप। आपने सड़कें नाप ली? नाप? ये चावल है, चावल। आपकी सारी तवज्जो तो घोड़ों पर है। आप पे भी है। हैवानों में इतने घोड़ों का तस्करा किया गया कि इब्न खुलदून यूनिवर्सिटी को पोलो ग्राउंड बना दिया गया, और सरकारी अस्तबल में पलने वाले घोड़ों को वहां दौड़ाया जाता है। बड़े बे आबरू हो कर तेरे कूचे से हम निकले बड़े। खामखा, ये सब तुम्हारा किया धरा है कमबख्त। आप पापा कह के उनको सर पे चढ़ा रखा था बदमाश औरतों को, और वो मेरी बेइज्जती कर रही थी और तुम खड़े तमाशा देख रहे थे। देखो भाई, मैं तो तुम्हें खबरदार कर रहा था शौकत बेगम कि वो औरतें मामूली नहीं है। तुम भीड़ों के छत्ते में हाथ डाल रही हो। क्लिपिंग्स देखिए आप लोगों ने, बहुत मजे मजे की क्लिपिंग्स थी, और जहर अच्छी चीज देखते हैं जब खुश करने, मतलब ये हमारे आर्टिस्ट ही होते हैं जो लोगों को खुश करते हैं थोड़ी देर के लिए। इसे जब आप टीवी के आगे बैठते हैं तो कैसा लगता है ना शहजाद भाई, थोड़े से दुनिया की फिक्रों से आजाद हो जाते हैं। हाँ, टीवी, वैसे आप यकीन करो फजीला, मैं ड्रामा देख ही नहीं पाता अपना। क्यों? मैं देख, टाइम ही नहीं मिलता, रात को लेट पहुँचते हैं घर, तो उस वक्त फिर हम सोच रहे होते हैं न्यूज़ क्या है आज की, अचानक न्यूज़ जो होती है ना, ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन बड़ी गलत है ये, पता है हम लोगों को जो एक लोगों ने ये एक मीडिया ने एक साइकोलॉजिकल जो एक हमारे एक जंग शुरू कर दिया ना, ये बड़ा गलत है। क्योंकि टीवी पे आपने अगर मतलब एक है एक चीज़ कि आप जब टीवी के आगे बैठते हैं तो आपका दिमाग रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, आपकी सिर्फ आंखें चलती हैं और आपके जो भी तफक्कुरात और आपका जहन में जो भी ख्यालात होते हैं ना, वो एक जगह रुक जाते हैं। तो हमें टीवी देखना चाहिए खुश होने के लिए, खुश होने के लिए। हम देखते हैं टेंशन लेने के लिए। मतलब रात को आते हैं, यार टेंशन नहीं हुई सुबह से, क्या मसला है ये, और तो फ्री में टेंशन हाजिर है। हाँ, फौरन टीवी लगाओ, टेंशन लो। अच्छा, कुछ भी देख लें, मैच देख लें, उसमें टेंशन। हाँ, हर चीज में टेंशन, हर चीज में टेंशन। अच्छा, अब टेंशन नहीं लेना, ब्रेक लेना है। ये भी एक टेंशन है कि ब्रेक लेना है। अच्छा, ये आप ब्रेक लें। नहीं, आप ब्रेक लें, आइए चलते हैं ब्रेक पे।